और मैं तुम्हें उसकी चोटी बताऊं। कहा जी या रसूल अल्लाह, जी या रसूल अल्लाह। तो आपने फरमाया अम्मा रासुल अम्र फल ईमान, अम्मा रासुल अम्र फल ईमान, बुनियाद बुनियाद ईमान है, उसका सुतून नमाज है, उसकी चोटी अल्लाह की राह में जिहाद है। फिर आपने फरमाया इनशीता अम्बातु का बे मिला के दाले का कुल्ले, अब अगर तू कहे तो मैं तुम्हें सारे नसीहत का खुलासा बताऊं, सारे दीन का खुलासा बताऊं। और लफ्ज का इस्तेमाल किया है, अगर तू चाहे तो मैं तुम्हें सारी बात का बादशाह बताऊं, सारे दीन का बादशाह बताऊं, सारे दीन का मिलाक बताऊं, मिलाक मिल्क से, मालिक से, बादशाह से। बादशाह क्यों फरमाया है, खुलासा क्यों नहीं फरमाया कि बादशाह तेरा तो मुल्क तेरा, खजाने तेरे, रियाया तेरी। ऐ माज ये अमल जो मैं बताने लगा हूं, अगर ये तेरा हो गया और तूने ये कर लिया तो सारे दीन का तू बादशाह है, सारा दीन तेरा, सारे अवामिर तेरे ताबे हो जाएंगे, हर शय पूरा दीन तेरे लिए आसान हो जाएगा। तो इतने में दो आदमी तेजी से अल्लाह के नबी की तरफ बढ़े। तो आपने फरमाया मुझे डर लगा कि कहीं अल्लाह के नबी को ये दोनों आदमी मशहूल न कर दें और मेरी बात बीच में रह जाए। तो मैंने जल्दी से फरमाया वमा हुवा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वो सारे दीन का बादशाह, सारे दीन का खुलासा वो क्या है, वो क्या है। तो मुझे देखना, मुझे देखना। आपने जबान निकाली, देख रहे हो भाई, आपने जबान निकाली, कमाज ये सारे दीन का बादशाह है, ये सारे दीन का बादशाह है, इसे काबू में कर, सारा दीन तेरी रियाया बन जाएगा, और अगर ये आजाद हो गई तो सारा दीन तेरे हाथ से निकल जाएगा। तो हजरत माज ने कहा या रसूल अल्लाह अनुआखद बेमान खुल, क्या जबान के बोल पर पकड़े जाएंगे। तो मेरे नबी ने कहा फिकिलत का उम्म का यबन जबल, जबल के बेटे मैं तो तुम्हें बड़ा समझदार समझता था। वहल यकुबुन्नास फीनार जहन्नम अला मनाखिर वजूहिम इल्ला हसाइद अलसनतहिम, माज तो क्यामत के दिन देखेगा सबसे ज्यादा जहन्नम में धक्का देने वाला अमल बदजबानी होगा, बदजबानी होगा, बदजबानी, गीबत और गाली और तनकीद और तंज और तबसरे। 99 खैर देखी, एक बुराई देखी, 99 को आग लगा देते हैं और एक को उछालना शुरू कर देते हैं। और इस्लाम का मिजाज है 99 ऐब देखो और एक खूबी देखो तो 99 पे पर्दा डाल दो और एक खूबी के गुण गाते फिरो। आज के दीनदारों ने कितने लोगों को बेदीन बना दिया नेकी के तकब्बुर की वजह से और अपनी बदअखलाकी की वजह से। हमारी जमात गई टोबा टेक सिंह, 95 की बात, 95 में, ओहो टोबा टेक सिंह सोशलिज्म का बहुत बड़ा मरकज रहा है किसी दौर में। तो जो वहां का कम्युनिस्ट का लीडर था उससे मिलने गए तो वो कहने लगा हम कोई काफिर नहीं थे ना हैं, हां हमें लेनिन की बातें और कार्ल मार्क्स की बातों ने मुतासिर किया था, तो हम उसकी गुफ्तगू करते थे तो हमें ताने मिलने शुरू हुए, ताने मिलने शुरू हुए। का एक दिन मैं जोहर की नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल हुआ, मैंने वजू करके कोहनियां धोकर मसे का पानी हाथ में लिया है कि पीछे से इमाम मस्जिद की नजर पड़ी और कहता है ए मुर्तदवी मसीह जवाड़ आए, तो मैंने वहीं पानी फेंक दिया, मसा नहीं किया और खड़ा होकर मैंने कहा आज के बाद तू मुझे मस्जिद में नहीं देखेगा। एक पैसे का तकब्बुर होता है, एक नेकी का तकब्बुर होता है, एक माल का तकब्बुर है, एक इल्म का तकब्बुर है, एक धन दौलत का तकब्बुर है, एक अपने अमल का तकब्बुर है। और सुनो माल का तकब्बुर छोटी चीज है और नेकी का तकब्बुर उससे ज्यादा खौफनाक चीज। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे, एक डाकू की नजर पड़ी, चोटी पर रहता था पहाड़ के, तो उसने जब नूर नबूवत देखा कहा या अल्लाह मेरी तौबा,
और नीचे उतरा और ईसा अलैहि सलाम के पीछे चल दिया। ईसा अलैहि सलाम के असहाब सहाबी, हर नबी के सहाबी सबसे अफजल होते हैं हर दौर के लिहाज से। एक सहाबी ईसा अलैहि सलाम का साथ ये यूं आए, तो वो ये हवारी रसूल है, हवारी, अल्लाह ने इनको हवारीयीन का खिताब दिया। मन अंसारी इल्लाह قال الحواريون نحن انصار الله, जिनके कुरान तारीफ कर रहा है ये वो लोग हैं। तो ये डाकू उनके बराबर में आया तो ये हवारी रसूल उनको यून देकर कहता है, समझे, वड्डा आया नेक पाक, ये मतलब था कि तू किधर मुंह उठा के आ गया है, तू तो कातिल डाकू बदकार शराबी, तू क्या कर रहा है। सिर्फ हूं, कोई जुमला नहीं। आज तो लोगों ने जुमले बोल बोल लोगों के कलेजों को जला के रख दिया है, हड्डियों को सोख्ता करके रख दिया है, और उन दीवानों को पता नहीं है कि वह अपने दीन को अपनी जबान से आग लगा रहे हैं। उन्होंने कहा हां, तो एकदम जिब्रील आया, या रसूल, या नबी अल्लाह, या रूह अल्लाह, मैं अल्लाह का भेजा हुआ आया हूं, आपके पीछे दो आदमी चल रहे हैं, मेरे अल्लाह ने कहा है एक मेरा मुजरिम तेरे पीछे आया है, उसे कहो कि तेरा अल्लाह तुझे कह रहा है तू आज नई जिंदगी शुरू कर, मैंने तेरे पिछले सारे माफ कर दिए, और या रसूल, या रूह अल्लाह, एक आपका हवारी चल रहा है, उसे अल्लाह का पैगाम आया है, तो उसे कहो तू भी नई जिंदगी शुरू कर, मैंने तेरी पिछली सारी नेकियों को जाये कर दिया है, तू ठेकेदार है मेरे बंदे का, तू कौन है हूं करने वाला। दीन तो कहता है नाचने वाली से भी नफरत न करो, ये नेक लोगों में ऐब तलाश करते फिरते हैं, ये मौलवी ये करते हैं, ये तबलीगी ये करते हैं, ये हाजी ये करते हैं, ये नमाजी ये करते हैं, कभी यूं भी देखा कर के तू क्या करता है, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े जिंदगी, कभी अंदर भी तो देखा कर, जो अंदर नहीं देखता हाय हाय वो बगैर तौबा के मर जाता है, जो औरों के ऐब देखता फिरता है उससे तौबा नसीब नहीं होती, जो औरों के बारे में अंधा हो जाता है अल्लाह उसे उसके ऐब दिखाता है, तौबा की तौफीक देता है। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे नबी ने कहा माद ये जबान ये सारे दीन का खुलासा है, इसे काबू में रख, हर हाल में इस पर लगाम चढ़ा के रख, तो तेरा दीन सलामत, तेरी दुनिया सलामत, तेरी जन्नत के रास्ते आसान। घर टूट गए, खानदान बिखर गए, भाई भाई का दुश्मन हो गया, मियां बीवी में नफरत की आग भड़क उठी, एक छाती का दूध पीने वाले एक दूसरे के सामने सफ आरा हो गए, जरा जबान के गंदे बोल की वजह से। ये वो जहर है जो हड्डियों को भी आलूदा कर देता है, तलवार का जख्म भरता है, जबान का जख्म भरता नहीं। अखलाक मिट चुके हैं, ये पैगाम देना है उम्मत को कि नबूवत वाले अखलाक अपनाओ, नबूवत वाले अखलाक अपनाओ, नबूवत वाली दरगुजर सीखो, गीबत से जबान बंद कर लो, चूली शिकायत से जबान बंद कर लो। मेरे नबी ने फरमाया गीबत जिना से बड़ा गुना है, जिना से बड़ा गुना, कि ये निजाम तोड़ के रख देता है, ये दिलों को फाड़ के रख देता है, ये आग लगा देता है नफरतों की। और मेरे नबी ने फरमाया मुझे बताओ अयो रल इस्लाम औसक, इस्लाम का सबसे मजबूत अमल कौन सा है, तो सहाबा ने कहा अल जिहाद, या रसूल अल्लाह इस्लाम का मजबूत अमल जिहाद का नहीं, वह हसन वमा हो वे, हाँ हाँ जिहाद अच्छी शय है पर सबसे मजबूत ना, कहा सलाह या रसूल नमाज, कहा वह हसनतुन वमा है बेहा, नमाज भी बड़ी अच्छी चीज है, वो नहीं जो मैं कह रहा हूं, कहा जी अलहज या रसूल हज, कहा वह हसन वमा हो वे, या रसूल रोजा, कवा हसन वमा हुआ बिही, ये सारे बड़े उम्दा आमाल हैं पर सबसे मजबूत सबसे ऊंचा नहीं है, तो साहब